अप्रैल और मई 2023 में अगर आप रेंट का मकान चेंज कर रहे हैं, किराए पे आप रहते हैं, या फिर सरकारी आवास चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से रिनोवेशन घर में ऐसे जहां पर आप कई दिनों बाद वापसी आप जा रहे हैं, या सरकारी क्वार्टर लॉट जिन लोगों को होते हैं, ऐसे में गृह प्रवेश का जो मुहूर्त होता है बहुत सारे लोग उसको सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात है, गृह प्रवेश तो वो भी है लेकिन ये गृह प्रवेश वो नहीं है। नूतन गृह प्रवेश और जीर्ण गृह प्रवेश और रेंट वाला, ये तीनों अलग अलग इसके लिए मुहूर्त देखे जाते हैं। इस बात को सदैव से ध्यान रखना चाहिए, खासकर नए गृह प्रवेश में। जैसे हम लोग मंगलवार का विचार करते हैं, रविवार का विचार करते हैं, लेकिन रेंट हाउस के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेंट हाउस के नियम भी ये लागू नहीं है क्योंकि नूतन गृह प्रवेश के लिए ये शर्त है। दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक तो आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा अनुकूल होने चाहिए, चौथे आठवें या द्वादश नहीं होने चाहिए। दूसरा एक और चीज है कि शुभ लग्न में, जैसे सिंह लग्न आ रहा है, कुंभ आ रहा है, ऐसे शुभ लग्न स्त्री लग्नों के अंदर आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज आपको बता देता हूँ। जो तिथियां हैं अप्रैल महीने में, यहाँ पर 3 तारीख को आप चेंज कर सकते हैं सोमवार के दिन, उसके बाद 6 अप्रैल को कर सकते हैं, 17 अप्रैल को, 14 अप्रैल को भी जो है ठीक है, बाकी 17 अप्रैल को, फिर यहाँ पर 27 अप्रैल को। कुछ खास तिथियां जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा और भी तिथि हो सकती है जो आपकी राशि के अनुसार भी अनुकूल हो, और भी चीजें इसमें नक्षत्र आदि भी इसमें पंचांग चुनती देखी जानी चाहिए। अब मई के महीने में बात करें तो यहाँ पर 1 मई को अच्छा है, उसके बाद 5 मई को बहुत बेहतरीन योग बन रहा है, उसके बाद 15 मई को, फिर यहाँ पर 22 मई और 31 मई 2023 को बहुत ही बेहतरीन शुभ संयोग है।